राम राम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर हम आपको ले आए हैं अपने गोल्डन डॉर्सेट हॉट क्लाइमेट सेब के पौधे के पास। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी, आपको अपडेट किया था कि हमारे जो सेब हैं वो कैसे हैं और किस साइज़ के हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखते रहे होंगे कि इस पेड़ में हमने थिनिंग कर दी थी, लगभग आधे फल हमने निकाल दिए थे और जो बचे हैं उन पर हम ट्रायल देख रहे हैं कि हमारा जो पौधा है एक साल का वो कितने फल सहन कर सकता है और किस क्वालिटी के फल बनते हैं। तो देखिए, हमने लगभग चार और कुछ में पांच फल छोड़े हैं गुच्छों में और अभी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो साइज है, लगभग कुछ फल का एक इंच डायमीटर जो है उस साइज़ के हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फिंगर के अनुसार, जो मेरा अंगूठा है उसके देख सकते हैं आप कितने बड़े जो हो चुके हैं। पूरे पेड़ पे काफ़ी अच्छी संख्या में फल अभी भी रुके हुए हैं, इतनी ज़्यादा गर्म हवा और तापमान में भी हमारा जो पौधा है, ये वाला पौधा जो है वो टिश्यू कल्चर प्लांट है और इस पौधे को मैंने YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी से लिया था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं गोल्डन डॉर्सेट और एना तो आप उधर से ख़रीद सकते हैं, YSR परमार यूनिवर्सिटी से, जो कि नौनी हिमाचल प्रदेश शिमला में है, और उधर आपको लेने जाना होगा, कुरियर सेवा नहीं है। इस पौधे पे फ़िलहाल वाटर सूट जो हैं वो काफ़ी चल रहे हैं और हम इसमें एक दो दिन में थिनिंग करेंगे। जो ये वाटर सूट है काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, इनको हम स्कैटियर के माध्यम से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इस पौधे पे बिल्कुल जड़ के पास, यानी पौधे के एक फीट की ऊंचाई पर भी फल काफ़ी लगे हुए हैं नीचे से ही। और इस साल हमने इस पर कोशिश करिए कि देखते हैं कि कितना साइज होता है, हमें कोई गम नहीं होगा कि अगर साइज बड़ा भी नहीं होता, क्योंकि थिनिंग करने में हमको काफ़ी दुख हो रहा था कि हम कितने फल निकालें कितने नहीं निकालें। तो आपको समय समय पे अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।